अब हम पढ़ते हैं लोकोमोशन क्या है। लोकोमोशन इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स टेक्स प्लेस इन वैरायटी ऑफ वेज बिकॉज इट इज ब्रॉट अबाउट बाय डिफरेंट ऑर्गन्स। लोकोमोशन जो भी ऑर्गन्स करते हैं उनकी अलग अलग वैरायटी होती है क्योंकि उनमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था सपोर्ट, अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट जिसको हम कहेंगे लोकोमोशन। वो हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से करता है क्योंकि उसमें अलग अलग ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑल्दो अमोबा अर्थवर्म एंड स्नेक अपेरेंटली लुक ट्रैवलिंग बट द ऑर्गन्स इन्वॉल्व आर टोटली डिफरेंट। हमें पता है कि अमोबा और अर्थवर्म ऐसे लोकोमोट करते हैं जैसे वो क्रॉल कर रहे हैं जमीन पे, रेंगना जिसे कहते हैं, ऐसे चलते हैं, लेकिन उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट वो यूज करते हैं। सिमिलरली पैरामिशियम एंड फिश बोथ स्विम। पैरामिशियम स्विम्स बाय इट्स सीलिया वेयर एज फिश यूजेस इट्स मसल एंड स्केलेटन। जैसे पैरामिशियम और फिश स्विम करती है, पैरामिशियम सीलिया यूज अपने मसल्स और स्केलेटन यूज करती है। लोकोमोशन एंड प्रोटोजोआ। लोकोमोशन इज प्रोटोजोआ, अ ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ इज यूजुअली कैरीड आउट बाय अपेंडेजेस लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल बॉडी। There are three types, pseudopodia and amoeba, cilia and paramecium and flagella and euglena. ये याद कर लें कि जो प्रोटोजोआ हैं जिनको हम प्रोटोक्टिस कहते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म या सेल बॉडीज यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। ये याद कर लें कि pseudopodia amoeba में होते हैं, cilia paramecium में होते हैं, flagella euglena में होते हैं। अब locomotion in amoeba, amoeba क्या यूज करता है? pseudopodia। अमोबाइड मूवमेंट हम कहते हैं जिस वो किससे करता है, सूडोपोडिया विच आर टेम्पररी फॉर्म्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। सूडोपोडिया कैसे बनता है? अमोबा का जो साइटोप्लाज्म होता है उससे फिंगर लाइक अपीयरेंस बाहर निकलती है जिसको हम कहते हैं आउट ग्रोथ ऑफ द साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज सूडोपोडिया। अ सूडोपोडियम फाउंड इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अटैचेस टू द सबस्ट्रेटम एंड बाय अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस होल साइटोप्लाज्म फ्लोस इनटू इट। ये ऐसे होता है, इनकी डायरेक्शन ऐसे होती है मूवमेंट की जिससे कि पूरे साइटोप्लाज्म की मूवमेंट हो रही होती है। इन दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी, अगर ये यहाँ मूव करेगा तो इसका होल साइटोप्लाज्म भी यही मूव करेगा। अ फ्रेश स्यूडोपोडियम इज फाउंड फार्दर ऑफ इन सेम डायरेक्शन एंड साइटोप्लाज्म इज नाउ पुल्ड इनटू इट। द अमोबा थस मूव्स इन दैट डायरेक्शन बाय कंप्लीटली या कंटिन्यूअसली रिपीटिंग दिस प्रोसेस। अमोबा ऐसे ही मूवमेंट करता है, साइटोप्लाज्म को भी वो अपने जहां जहां पे वो मूवमेंट करना चाहता है वहीं पे पुल करता है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं अमोबाइड मूवमेंट। डिपेंड्स अपॉन अल्टरनेट चेंज ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू फिलेट लाइक सोल एंड जेली लाइक जेल फॉर्म। ये अमोबाइड मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है? अल्टरनेट चेंज पे। एक तो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट, जैसे सोल मीन्स एक साइटोप्लाज्म हमारे पास सोल्यूशन है उसकी मूवमेंट एंड जेली लाइक जेल फॉर्म की मूवमेंट, इन दोनों मूवमेंट पे वो अमोबाइड मूवमेंट डिपेंड करती है। जहां पे अमोबा मूव करेगा वहां पे उसका साइटोप्लाज्म मूव करेगा। अब लोकोमोशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम कैसे किसे लोकोमोट करता है? बाय द हेल्प ऑफ सीलिया। द बॉडी ऑफ पैरामीशियम इज कवर्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सीलिया। सूडोपोडिया किसकी आउटग्रोथ है? साइटोप्लाज्म की। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये याद कर लें सूडोपोडिया किसके थे? हमारे पास साइटोप्लाज्म, वेयर एज सीलिया आर द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द लोकोमोशन इज पैरामीशियम टेक्स प्लेस बाय बीटिंग ऑफ दी सीलिया एंड हेंस इज कॉल्ड सीलियरी मूवमेंट। ये बीटिंग की माना क्या होती है? ये एक दूसरे को बीट करती है, मींस एक जगह पे वो सारी मूव करेंगी जिसको हम कहते हैं सीलियरी मूवमेंट। लोकोमोशन इज ब्रॉट अबाउट बाय अल्टरनेट पावर स्ट्रोक्स एंड रिकवरी स्ट्रोक। लोकोमोशन कैसे होती है पैरामीशियम में? उनमें दो स्ट्रोक होते हैं, पावर स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक। एक तरफ से पावर आया, इसने यहाँ पे मूव किया तो इसको हम कहेंगे, जहां से स्टिमुलाई आया, पावर आया, उसको हम कहेंगे पावर स्ट्रोक। और फिर ये अपने आप को रिकवर करेगा अपनी सेम पोजिशन पे, दैट विल नोन एज रिकवरी स्ट्रोक। अ पावरफुल बैकवर्ड पावर स्ट्रोक और 100 ऑफ दी सीलिया पुश द बॉडी फॉरवर्ड। इसी पावर स्ट्रोक की वजह से जब सीलिया आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव करेंगे तो पैरामीशियम की बॉडी जहां सीलिया मूव करेंगे वहां मूव करेंगे। इसीलिए ये मूवमेंट जिसकी काज होती है बाय द हेल्प ऑफ पावर स्ट्रोक।
अब पेरामिशन इन युगलीना, युगलीना क्या यूज कर रहा था, फ्लेजिला. द लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स इन युगलीना आर फ्लेजिला एंड द मूवमेंट ब्रॉट अबाउट फ्लेजिला इज कॉल्ड फ्लेजिलरी मूवमेंट. जिस ऑर्गन की जो जो ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व हो रहा है मूवमेंट भी उसी के नाम से. सीलिया इन्वॉल्व है तो सीलियरी मूवमेंट, युगलीना है में फ्लेजिला है तो फ्लेजिलरी मूवमेंट. द फ्लेजिला आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर टू द सीलिया बट डिफरेंस इज दैट द difference is that the flagella are very few if not single relatively large in size and beat in a whip like fashion. cilia aur flagella ek hi structure ke bane hote hain, means same hote hain, lekin farak kya hota hai, cilia bahut kam hote hain, ek nahi hote lekin bahut kam hote hain aur unki size cilia se bahut badi hoti hai. jo flagella ki size cilia ki size se bahut badi hoti hai. locomotion kaise hoti hai, by alternate right and left power stroke and recovery stroke. इसमें भी पावर और रिकवरी स्ट्रोक की वजह से ही मूवमेंट होती है. अब लोकोमोशन इन एनिमेलिया. लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स आर बिल्ट ऑन अ क्वाइट डिफरेंट प्लेन देन दोज ऑफ द प्रोटोक्टिस. इंस्टेड ऑफ बीइंग अपेंडेजेस ऑफ सिंगल सेल द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स आर फार मोर डेवलप्ड एंड वर्क बाय कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ मसल एंड स्केलेटन. उसमें क्या था कि एक सेल बॉडी हेल्प कर रही थी मूवमेंट में, लेकिन एनिमिलिया में ऐसा नहीं होता. उनका कुछ डिफरेंट ही प्लान होता है क्योंकि उनकी अपेंडेजेस या सिंगल सेल या सिंगल बॉडी हेल्प नहीं करती, बल्कि उनके मसल्स और पूरा स्केलेटन ही मूव करते हैं. आप खुद को देखिए, क्या हमारे अंदर ऐसी कोई आउट ग्रोथ है जो हमें मूवमेंट में हेल्प करिए? नहीं, लेकिन हमारे मसल्स और स्केलेटन दोनों मिलकर मूवमेंट कराते हैं. इसीलिए एनिमिलिया की जो एनिमेलिया जो ग्रुप है फाइलम में, उन सब की मूवमेंट डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि वो दोनों यूज करते हैं मसल एंड स्केलेटन, ये याद रखें. लोकोमोशन इन जेली फिश. अ जेली फिश हैज एन अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी व्हिच फ्लोट्स फ्रीली ऑन द वाटर और स्विम बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड मसल सेल फोर्सिंग द वाटर पावरफुली आउट ऑफ इट्स माउथ एंड अम्ब्रेला टू क्रिएट अ डेट जेट प्रोपल्शन इफेक्ट. द जेली फिश मूव्स इन जग्स इन डिफरेंट डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सपेल्ड वाटर. ये क्या करेगी, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जेली का, लाइक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये पानी में फ्लोट कर रही होती है. ये क्या करेगी, जब इसमें कोई फोर्स आएगा पानी से, पानी का, तो ये अपने माउथ में से पानी निकालेगी. जिस तरफ ये पानी निकालेगी उसके अपोजिट साइड ये मूव करेगी. यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कॉन्ट्रेक्शन हो रही है इसकी. जब ये डायरेक्शन ऑफ इजेक्शन ऑफ वाटर, जब इसकी डायरेक्शन इजेक्शन ऑफ वाटर अपसाइड है, अगर ये पानी ऊपर की तरफ निकाल रही है तो मूवमेंट इसकी डाउन तरफ होगी. इसका मतलब जिस तरफ से इसको स्ट्रोक मिला है ये उसके अपोजिट ही मूवमेंट करेगी. लोकोमोशन इन अर्थवर्म. अर्थवर्म्स बीइंग टेरेस्ट्रियल आर एडेप्टेड टू लोकोमोशन इन सॉइल. द मूवमेंट इज ब्रॉट अबाउट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ टू सेट ऑफ मसल्स एंड द बॉडी फ्लूइड सर्विंग इज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन. हाइड्रो, जब हम मैं आपको बताऊंगी तीन टाइप्स के स्केलेटन है. हाइड्रोस्टेटिक वो जो कि हाइड्रा जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इतना हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता. ये एनिमल जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, वो लोकोमोशन जो सॉइल पे करते हैं, जमीन पे, उनमें कैसे मूवमेंट होती है, वो उनके जो मसल्स होते हैं या बॉडी फ्लूइड्स के या स्केलेटन के जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उनकी मूवमेंट होगी. कॉन्ट्रेक्शन. लॉन्गिट्यूडनल मसल शॉर्टन द बॉडी एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स लेंथन द बॉडी. ये याद कर लें कि अर्थवर्म में जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं वो अगर शॉर्ट होंगे तो बॉडी शॉर्टन हो जाएगी. मींस अगर वो लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी शॉर्ट हो जाएगी, और सर्कुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी लेंथन हो जाएगी अर्थवर्म की. एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड कंप्रेस बॉडी अर्थवर्म क्रॉल्स. ये जो कॉन्ट्रेक्शन होती है मसल्स की, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की, इन दोनों की वजह से अर्थवर्म जमीन पे रेंगता है, मींस क्रॉल करता है. इन एडिशन ब्रिस्टल्स कॉल्ड सीटाए एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बॉडी वॉल इन ईच सेगमेंट ग्राफ्स द सॉइल फंक्शनिंग एज अ होल्ड फास्ट टू टेक द ग्रिप ऑफ द सॉइल. इसमें क्या होते हैं, एक एडेप्शन होती है, अलग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सीटाए. ये बॉडी वॉल की एक्सटेंशन होती है क्योंकि जब अर्थवर्म मूव करता है तो उसमें ग्रिप होनी चाहिए. ये सीटाए इसलिए होती है ताकि अर्थवर्म को ग्रिप मिल सके. अब लोकोमोशन इन स्नेल. Locomotion in snail like other molluscs takes place by a specialized organ called foot. Snail moves by contraction of muscle underside the foot. These contraction are brought about under the influence of hydrostatic pressure of the body fluids.
जैसे अदर मोलस्क जो हमारे पास जो फाइलम मोलस्का है उसके जो एनिमल्स है उनके पास स्पेशलाइज ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं फुट। जो भी मसल्स होते हैं फुट पे या फुट के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये हमारे स्नेल की मूवमेंट होगी, क्योंकि उसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। क्योंकि उसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू द बॉडी फ्लूइड, पानी का तो नहीं कह सकते लेकिन फ्लूइड का भी हम कह सकते हैं। द वेज ऑफ कंट्रेक्शन फ्रॉम फ्रंट टू रियर पुश द एनिमल फ्रंट फॉरवर्ड। जब उनमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में वेव जनरेट होगी, वेव्स क्या होता है किसी तरह से पावर स्ट्रोक मिला, मींस स्टिमुलाई मिला, तो इसकी वजह से उस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में वेव्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन वो कॉन्ट्रेक्ट करेगा, तो इसकी वजह से स्नेल आगे या पीछे मूव करेगा। द मूवमेंट मेड इजी बाय सिंपली स्लिमली सीक्रेशन ऑफ म्यूकस ग्लैंड पोर्ड इन फ्रंट ऑफ द फुट एंड एनिमल वर्चुअली स्लिप फॉरवर्ड। दिस गिव राइज टू फेमिलर शाइनिंग ट्रैक लेफ्ट बाय अ मूविंग स्नेल। और इसमें और एडेप्शन क्या होती है, इसमें एक म्यूकस ग्लैंड होता है जो कि एक स्लाइमी सीक्रेशन देता है जिसको स्नेल जहां मूव करेगा, अगर उसे आगे मूव करना है तो वो अपनी स्लाइमी सीक्रेशन आगे छोड़ देगा जिसपे वो स्लिप करेगा, अगर उसे पीछे मूव करना है तो वो पीछे छोड़ देगा ताकि वो उस पे स्लिप हो जाए। इस तरह से स्नेल की मूवमेंट होती है। लोकोमोशन इन स्टार फिश। इन स्टार फिश लोकोमोशन इज कंट्रोल्ड बाय स्पेशल वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर इज ड्रॉन इनटू द बॉडी थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग इन द सेंट्रल डिस्क एंड पास थ्रू अ रिंग कैनाल टू 5 रेडियल कैनाल्स, वन रनिंग अलोंग ईच आर अलोंग ईच ऑफ दीज कैनाल लार्ज नंबर ऑफ होलो मस्कुलर ट्यूब फीड। अब स्टार फिश का आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें 5 आर्म्स होती है ऑलमोस्ट। इन फॉर्म जो 5 आर्म्स होती है इनमें वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, इनमें वेसल्स भी होती हैं और वाटर्स भी होती हैं। इनमें क्या होता है, ये जो सेंट्रल डिस्क है यहाँ पे जो सेंट्रल रीजन है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल रिंग, इसमें से रेडियल कैनाल्स निकलती है, रिंग कैनाल्स, 5 रिंग कैनाल्स हर कोई ईच आर्म में जाएगी। और इनके पास होलो मस्कुलर ऑर्गन होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्यूब फीड। या आपको अगर नजर आ रहे हैं तो छोटे छोटे एक्सटेंशन है पूरी सरफेस पे, ये वाले हम इसको कहेंगे ट्यूब फीट। द अपर पार्ट ऑफ ट्यूब फीट कनेक्टेड विद कैनाल, जो अपर पार्ट है इसका ये कैनाल के साथ कनेक्ट होता है। एंड द बल्ज एंड एम्पुला वेयर द बॉटम पार्ट इज सकर। ये जो इसका नीचे वाला पार्ट होता है ये वाला एक, अगर मैं इसको ऐसे बड़ा करूं ये एक आर्म है, इस पे ये वाला ट्यूब फीट है। ये जो इसका फ्रंट वाला जो अपर साइड है ये कैनाल के साथ अटैच होता है, लेकिन ये एम्पुला जहाँ पे सकर टाइप बना हुआ है ये बाहर होता है और ये सक करता है पानी को। एम्पुला एज अ सकर एक्ट करेगा। व्हेन एम्पुला कॉन्ट्रैक्ट वाटर मसल द ट्यूब फीट लेंथन एंड सकर्स बिकम अटैच टू द ऑब्जेक्ट। जब ये एम्पुला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, सकर है किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाएगा और स्टार फिश मूव करेगी, स्टार फिश उसकी मूवमेंट परफॉर्म होगी। व्हेन सकर मसल कॉन्ट्रैक्ट द वाटर इज पुश्ड बैक इनटू एम्पुला मेकिंग ट्यूब फीट फ्लैसिड लूजिंग द ग्रिप एंड स्टार फिश इज पुल्ड फॉरवर्ड। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसकी ग्रिप छूट जाएगी, पानी इसमें से क्या हो जाएगा, पानी पुश बैक हो जाएगा, एम्पुला की तरफ चला जाएगा। एम्पुला का है जिसको हम सकर कहते हैं। जब ये अब ये एक जगह पे स्टिक होगा, अब इसे आगे चलना है या पीछे, फिर एम्पुला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ट्यूब फीड में से पानी निकल जाएगा और ये सुकड़ जाएगा और फिर स्टार फिश की आगे या पीछे मूवमेंट होगी। यूजिंग इन हंड्रेड ऑफ फीट स्टार फिश क्रीप्स अलोंग द रॉक एंड अदर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इन द सी using its arm it can swim in the water। ab ye important point hai, agar wo apne feet ko use karegi to wo kisi solid structure pe creep kar sakti hai, means rang sakti hai। agar wo apni arms use karegi jo uski 5 arms hai to wo swim karegi, agar arm kar use karegi to wo swim karegi, agar tube feet karegi to wo cramp karegi, crimped like structure creeps karegi। ye yaad kar le, main point hai। locomotion in cockroach is brought about the interaction of muscular and exoskeletal system। isme muscles bhi kaam karenge aur iska skeletal system bhi kaam karega, uski kyunki joints leg hoti hain cockroach mein। the legs act as efficient lever and make the movement much more fast and swift। in cockroach muscle are attached to inside of exoskeleton of legs, these antagonistic muscles work in opposition to one another। isme kya hota hai cockroach mein kya hoti hai, cockroach ka structure हमारे पास कैसा होता है, उनमें जॉइंट्स लेग्स होती है। अगर आपने कॉकरोच देखा हो तो आपने देखा होगा उसकी टांगे टूटी हुई होती है बीच में से, उनके वहां पे जॉइंट्स बने
होते हैं, जब वहां पे मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसकी मूवमेंट होगी। अब जो कॉकरोच में मसल्स होते हैं वो एंटागोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट मींस एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल्स मूव द अपेंडेजेस एंड द एनिमल। फ्लेक्सर्स कौन से, जो फ्लेक्शन करवाएं, एक्सटेंसर कौन से, जो एक्सटेंशन करवाएं। जब इनकी मूवमेंट होगी या कॉन्ट्रैक्शन होगी तो फुल एनिमल मूव करेगा। द स्विफ्ट एंड फास्ट मूवमेंट ऑफ द आर्थ्रोपॉड मेक इट बेटर एडेप्टेड टू कैच अ प्रे एंड एस्केप अ प्रीडेटर। इनका क्या होता है, ये इनकी फास्ट मूवमेंट की वजह से ये किसी भी शिकार को पकड़ सकते हैं और किसी को छोड़ भी सकते हैं और खुद भाग भी सकते हैं। अ की टू देयर सक्सेस विच रिजल्टेड इन देयर वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी वजह से इसकी जो फ्लेक्सर और एक्सटेंसर और स्विफ्ट मूवमेंट की वजह से ये आज तक के मीन्स सक्सेसफुल जानवर हो सके हैं। Cockroach like many other insects is blessed with wings for flight, adding a lot to their mobility. इनके पास विंग्स भी होते हैं जिसकी वजह से वो मोबिलिटी मीन्स मूव भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स, अब हम देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स कैसे लोकोमोट करते हैं। वर्टिब्रेट्स जो हमारे पास होते हैं मोस्ट एडवांस सिस्टम है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत एडवांस स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर सेम है लेकिन हमारे अंदर कुछ उसमें एडवांसमेंट हुई है। हमारी भी मूवमेंट मसल और स्केलेटन मिलके बनाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो एंडो स्केलेटन होता है वो एंडो स्केलेटन होता है। द बेसिक स्केलेटन एवर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एंड मोड ऑफ लोकेशन। जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हर एनिमल्स में सेम होता है। वो किस पे डिपेंड करता है कि जो हम एनिमल देख रहे हैं वो कौन से हैबिटेट में ले रहा है और कौन सा उसका लोकोमोशन का मोड है, उसी बेसिस पे उन्होंने स्केलेटन उसमें डेवलप हुई है। फिशेस लिविंग इन वाटर स्विम फ्रीली बाय अंडर अंडुलेटिंग मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी एंड टेल विच इज पॉसिबल ड्यू टू देयर फ्लेक्सिबल वर्टिब्रल कॉलम। बैलेंसिंग एंड स्ट्रीमिंग इज असिस्टेड बाय पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स। अब इन्होंने कहा है कि जो फिश होती है वो पानी में इजीली मूव करती है, उनकी मूवमेंट वहां इजीली होती है। क्यों? अगर उन वर्टिब्रल कॉलम इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता हमारे अंदर होता तो वो इतना आसानी से पानी में मूव नहीं कर सकती थी, इसलिए उनके पास फ्लेक्सिबल वर्टिब्रल कॉलम है और उनके पास पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, उनकी वजह से उनकी मूवमेंट ईजी हो जाती है। जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक टेट्रापोड्स बीइंग प्रोवाइडेड विद फोर लेग्स विद द सेम स्ट्रक्चरल प्लान, दीज लेग्स आर प्रिंसिपल लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन द टेट्रापोड्स। वो एनिमल्स टेट्रापोड्स हैं जिनके पास फोर लेग्स होती हैं, उनके वो मेन लोकोमोटरी ऑर्गन है, उसी वजह से वो मूव कर सकते हैं। द एम्फीबियंस द फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स आर ब्रॉट थ्रू to be evolved from the ancient lobed finfishes like the ancestor, the legs of amphibians spread out of the body, so most of them virtually drag the body on the ground. जैसे amphibians से हमारे पास उन्होंने पानी में से जब evolved है, क्योंकि वो पहले bony fishes थे lobed fishes, फिर उनकी evolution हुई तो अब वो terrestrial पे भी रह सकते हैं, तो उनमें पहले पहले क्या हुआ legs की movement हुई, means उनमें legs adapted हुई ताकि वो जमीन पे चल सकें। वो आपने सुना होगा कौन सा एम्फीबियन है मेन, क्रोकोडाइल। वो पानी में भी रह सकता है लेकिन जमीन में भी है, लेकिन उसके पास लेग्स हैं। जमीन पे चलने के लिए लेग्स का होना जरूरी है, इसलिए उनमें इवोल्यूशन हुई, एडेप्शन हुई लेग्स की। अर्ली रेप्टाइल्स आल्सो हैड द सेम टाइप्स ऑफ पोस्चर विद देयर लेग्स स्प्रेडिंग आउट ऑफ द बॉडी इन द सेम प्लान राइट। लेटर रेप्टाइल्स हाउएवर शोड द ट्रेंड टुवर्ड्स ब्रिंगिंग देयर लेग्स बीनीथ देयर बॉडी। दिस ट्रेंड रीच इट्स पीक in birds and mammals where legs come right below the body serving as props. This is not only most efficient way of supporting the weight of the body but also walking or running on the land. Kuch reptiles ka jo tha unme bhi posture the, unme bhi legs ki spreading hui, lekin reptiles ka jo trend tha na unme legs jo thi unke body ke niche thi, unka structure aisa tha ki jo legs thi unke body ke niche thi, फिर उसमें क्या था उनमें थोड़ी मुश्किल होती कि वो वेट बेयर नहीं कर सकता। अगर कोई एनिमल जमीन पे चलेगा तो उसका जो पूरा वजन होगा उसकी टांगों पे और पांव पे आएगा, तो इसलिए वो मसला कर रहा था क्योंकि जो उनका वेट था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, ना वॉकिंग में और ना ही रनिंग में।
birds and anthropods, men and apes, etc. being bipedal means हमारे पास दो टांगे हैं and started walking and running on the their hind limbs, keeping their fore limbs free. हमने क्या किया, अपने hind limbs means टांगे और fore limbs means हमारे arms. हमने hind limbs पे चलना शुरू किया और हमने अपने fore limbs को free कर दिया. In birds, the forelimbs are modified into wings for flights, and anthropods, forelimbs are served for feeding, holding, and for other activities. Forelimbs जो हमारे arms से birds में wings में convert होगी ताकि वो उड़ सके, और हमारे अंदर हमने free छोड़ दी ताकि हम feeding कर सके, खा सके, कोई चीज means पकड़ सके और कोई ना कोई activity perform कर सके. अब हम देखते हैं लास्ट इवोल्यूशन ऑफ स्केलेटो मस्कुलर सिस्टम. कैसे स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम की इवोल्यूशन हुई. द स्केलेटन विद इन योर बॉडी कैन बी ट्रेस्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ फॉसिल्स टू स्केलेटन ऑफ प्रिमिटिव फिशेस दैट लिव्ड सम 400 मिलियन ईयर्स अगो. हम कैसे पता लगाएंगे कि स्केलेटन जो आप में मौजूद है पिछली वाली फिशेज में डिफरेंट था. हम फॉसिल रिकॉर्ड देखते हैं. फॉसिल्स मीन्स जो ओल्ड जानवर मर गए फिर उनका रिकॉर्ड होता है, उनको हम कहते हैं फॉसिल रिकॉर्ड. उनसे हम देखते हैं ऑलमोस्ट 400 मिलियन ईयर्स अगो दीज फिशेस वर कवर्ड विद बोनी प्लेट. ऑल द बोन्स डिसअपीयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. दो सम ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ दीज बोन आर सीन इन रीसेंट वर्टिब्रेट्स. उनमें क्या था, उनकी बॉडी एक बोनी प्लेट मीन्स बोन की बनी हुई थी, कोई प्लेट उनमें कवर थी, वो भी बाकी मसल्स बोन्स थी वो डिसअपर अपियर हो गई. लेकिन कुछ बोन्स के जो डेरिवेटिव्स थे वो आज भी रीसेंट वर्टिब्रेट्स में मौजूद हैं. द बोन इन आवर लिम्स आर नॉट दैट ओल्ड. जो हमारे लिम्स में टांगों या आर्म्स में जो लिम्स होते उनमें बोन्स है वो इतने पुराने नहीं है. दे फर्स्ट अपियर्ड इन द एंशिएंट एम्फीबियन सून आफ्टर द वर्टिब्रेट्स मेड देयर वे ऑनटू द लैंड. पहले जो हमारे बोन्स थे जो लिम्स में है वो पहले एम्फीबियंस में इवॉल्व हुए थे, फिर हमारे अंदर हुए ताकि हम चल सके जमीन पे. द बोन ऑफ दीज लिम्स वर ड्राइव फ्रॉम द बोन ऑफ फिन ऑफ द लॉब्ड फिन फिशेस फ्रॉम विच द एम्फीबियंस इवॉल्व. द एम्फीबियन लिम्ब प्लांट अंडरवेंट ग्रेजुअल मॉडिफिकेशन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स. पहले क्या था, जो बोन ड्राइव हुआ फिशेस से हुआ, ये याद कर. बोन जो पहले जो इवोल्यूशन हुई लॉब्ड फिन फिशेस से हुई, उसमें से एम्फीबियंस को मिला, फिर एम्फीबियंस में से रेप्टाइल बर्ड्स से नाम मिला मैमल्स को. मीन्स अगर हम कहें तो इवोल्यूशन लैंड की स्टार्ट ही लॉब्ड फिन फिशेस से हुई, फिर एम्फीबियंस एंड फिर रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स. द स्केलेटल सिस्टम अरोज फ्रॉम पेरिप्रिमिटिव फिशेस वेयर एज द मसल ऑफ वर्टिब्रेट्स आर फार मोर ओल्डर इन ओरिजिन. जो स्केलेटल सिस्टम है हमारे अंदर वो मे भी इतना पुराना नहीं है, लेकिन जो मसल्स है वो बहुत पुराने हैं, एक्टिन एंड मायोसिन. द मेजर प्रोटीन्स ऑफ वर्टिब्रेट्स muscle tissue are found virtually in all eukaryotes including protists, hence they might have appeared very earlier in the course of animal evolution. As the vertebrates move out of water their skeleton evolved along many diversities branching according to the need of their environment and mode of their locomotion. As the muscles are correlated with the type of skeleton and in movements they evolved accordingly. जो हमारे अंदर प्रोटीन्स होते हैं एक्टिन और मायोसिन जो मूवमेंट में हेल्प कराते हैं, हमारी मसल की कॉन्ट्रेक्शन में वो हेल्प कराते हैं, वो हमारे अंदर भी हैं लेकिन कुछ प्रोटोक्टिस में भी होते हैं. उनकी इवोल्यूशन अर्ली हुई है मीन्स वो अभी अभी इवॉल्व हुए हैं. और जो वर्टिब्रेट जो पानी के बाहर मूव कर सकते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है स्केलेटन है वो मोस्ट डाइवर्स है, क्योंकि उनको एनवायरमेंट की भी जरूरत है और उनको वही स्केलेटन लोकोमोशन के लिए भी नीड है. जो भी मसल्स उस स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई होती हैं वो उनकी मूवमेंट में हेल्प करवाती हैं. मसल टिश्यू इज प्रेजेंट थ्रू आउट द किंगडम एनिमेलिया. बोन्स आर यूनिक टू वर्टिब्रेट्स. मसल जो है वो पूरे किंगडम में प्रेजेंट है लेकिन बोन्स जो हमारे पास है वो खाली वर्टिब्रेट्स में है. ठीक है, यहाँ तक.